जन्नत अगर किसी को बोलेंगे तो ये मेरे सामने है जन्नत। मैं हूँ जन्नत में। जय जय भोला। अच्छा बढ़िया, पता वो चलो। ये कालामुनि मंदिर से हमारा ट्रैक स्टार्ट होते हुए ये एक डिफरेंट रूट है और बहुत ही खतरनाक। हाँ लगी हुई है। यार ये पिंटू ग्राम खेलने में मजा आएगा। Hey guys, जय प्रभु केदारनाथ। अभी विक्की दा की खाली टोपी निकली है, धीरे धीरे अभी जैकेट भी निकलेगी, लिख के दे रहा हूँ ये चीज। और ये जो पार्क शंभो वेद पुराण काशी की शिव शंभू।
lots of fun right there. Right here, sorry. Guys, you are on live camera. Hello. So please maintain some dignity. It's going too much. Awesome. फाड़ू चढ़ाई फाड़ू एकदम बहुत ही खतरनाक चढ़ाई और जो कि हम चढ़ रहे हैं ये भैया हमारे आ रहे हैं चले जा रहे हैं मेरे पीछे पहाड़ी दिख रही है उसके टॉप पे मुझे पहुंचना है पहुंचेंगे लगभग 2 घंटे में ये खाली ट्रैक हम काफी चढ़ाई है देखिए आप ये जो बिल्कुल नीचे आपको जो खाई जैसी लग रही है यही चढ़ते हुए हम ऊपर को आ रहे हैं और ऊपर को भी ऐसा ही रास्ता है पूरा चढ़ाई भरा तो नीचे से तो लग रहा था कि ये काफ़ी मॉडरेट ट्रैक होगा बट ये थोड़ा इसमें चढ़ाई है तो अगर आपको चलने की आदत ना हो तो आप थोड़ा सा इसे स्किप करें क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेस्ट हाउस वगैरह नहीं है आपको चलना ही चलना है, कोई पानी पीना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको नीचे भी उतरना है इसी रास्ते तो ये जो आप स्लांट देख रहे हो नीचे इसी में पूरा नीचे उतरना और काफ़ी जो है ये स्लिपरी है तो अच्छे से अच्छे शूज़ लाए आप जिनकी ग्रिप अच्छी हो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे खलिया ट्रैक सो स्टे ट्यून गाइज गुड बाय और ये खलिया मेरे ख्याल से तो ऊपर ही ऊपर से धारी धार जाना पड़ेगा फिर मेरे हिसाब से तो ऊपर वाले से ठीक है हाँ सर ये वाले से मेरे को लग रहा है धारी धार थोड़ा हमें इजी भी पड़ेगा और हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ से फिर थोड़ा सा चढ़ के ऊपर टुकी ज़्यादा ज़्यादा जो है मान लो कि 2-3-4 किलोमीटर रोड चलना है बस जितना हम आए हैं उतना टॉप में जा रहे हैं ये देखिए खलिया टॉप के ट्रैक का रास्ता ये पैच जो कि पूरा जंगल जला हुआ है ब्लैक जैसा कि आपको देख रहा होगा और काफ़ी हार्ड ट्रैक है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे पूरा करने की और हम करेंगे अभी क्योंकि हमारे सर पे आशीर्वाद है किसका भोले का ये देखिए जय शिव शंभू लेट करो बहुत ज्यादा वैसे ही लेट है इतना जय शिव शंभू जय शिव शंभू पैर बहुत आराम आराम से रखना पड़ रहा है ना इसमें
खलिया टॉप का ये ट्रैक है, बहुत ही खतरनाक चल रहा है। पूरी बर्फबारी, पूरी बर्फबारी नहीं, स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। शंभू का नाम लीजिए और चलिए। अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय। मैं हिमांशु कुलबे पहुंच चुका हूं खलिया टॉप, और यहां पे काफ़ी बर्फबारी हो रही है। देख सकते हैं आप कैसा पूरा स्नोफॉल है, और ये विंटर ट्रैक हमारा सफल रहा। यहां पे अभी स्नोफॉल भी हो रहा है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है यहां पे, और ये फ्रेश स्नो में मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में कि यहाँ के नज़ारे कितने अतुल्य, कितने सुंदर, कितने आँखों को भा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, और हमने बहुत ही मज़े किए हैं पूरे ट्रैक में। बहुत यहाँ आना हमारा सफल रहा। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, और वहाँ पे सभी मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, पिक्स क्लिक कर रहे हैं। और ये सफ़र बहुत ही मज़ा आ गया इसमें, और अभी लाइव स्नोफॉल हो भी रहा है, देख सकते हैं आप। वो पूरे बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, देख सकते हैं पूरे बादल लगे हुए हैं, और स्नोफॉल हो भी रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ गया इस ट्रैक पे, अल्टीमेट। ये मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा ट्रैक है। ओके टोवियो फिलहाल मत देना है। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, स्पीकर में प्रॉब्लम है, बैटरी लो तो मोबाइल में लगा लो, दिखा रहा है कोई नहीं यार, पावर बैंक लगा लो, पावर बैंक इसमें लगता है, फोटो ले लो तब भी यार एक साथ में बस। चल रहे हैं फिर एक फोटो लेके, इससे हो जाएगी फोटो, आ जाएगी इससे फोटो, अच्छी नहीं आई है। अच्छा अच्छा ठीक है। खलिया ट्रैक पूरा करने के बाद हम कर रहे हैं वापसी। और अभी हमारी बाइक लगी हुई है काला मुनि मंदिर में, और वहाँ पे जाने में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, है ना भैया? 1.5 से 2 घंटे में लग जाएंगे। उसके बाद हम मुंशहरी जा रहे हैं, और फिर हमें वहाँ पे जाके होटल सर्च करना है, और आज का स्टे हमारा मुंशहरी में ही रहेगा। सो ये बैक ट्रेल अपना हम पूरा करते हैं। ब्रह्म मुरारी
क्या था चढ़ गए थे या आप फोटो खिंचाते खिंचाते है ना वो पता नहीं चला ढाका टपी खेत में